अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रफी के जाके मैं आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे खमन। सबसे मेन चीज क्या है? मेजरमेंट। अगर आपका मेजरमेंट सही होगा तो मान के चलो कि आप कोई भी चीज बनाओगे बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह हम पूरे मेजरमेंट के साथ बताते हैं। मैंने ले लिया है बेसन। बेसन नॉर्मली जो घर में चने का बेसन होता है वही है। जितना बेसन है उसके आधा आपको दही लेना है, ठीक, आधा पानी लेना है, यानी कि जितना बेसन उतना आपका बटर मिल्क। तो मान के चलो आप 100 ग्राम ले रहे हैं बेसन, तो 50 ग्राम दही आपका होना चाहिए और 50 ग्राम पानी। तो पहले हम दही को डाल देते हैं और इसका बना लेते हैं लस्सी टाइप, बटर मिल्क बना लेते हैं। और ये आ गया पानी। तो जितना दही जितना बेसन उतना ही दही और पानी दोनों मिला के, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर हम बेसन, तो कलर हो जाए इस वजह से थोड़ा हम हल्दी डाल देते हैं। हाफ टीस्पून जितना हम डाल देंगे नमक, मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया मिक्स। देख सकते हैं जितना ये घट है बस इतना ही होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका पतला हो गया या घट हो गया तो थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, लेकिन ये घट नहीं है और ना ही पतला है, तो इतना हमें चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम रख देते हैं एक घंटे के लिए रेस्ट पे। तो एक घंटा हमें हो गया है और बेटर जो हमने बनाया था वो बहुत अच्छा से फूल गया होगा इंशाल्लाह। तो अब उसे हम बैक करने के लिए रख देते हैं स्टीमर में। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत बढ़िया भीग गया है। ये मैंने तो आपको दिखाया था। अब इसके अंदर डाल देंगे हम बेकिंग सोडा, ठीक है। तो हाफ टी स्पून जितना हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर एक इनू। इनू जो है जो जाली बनाने का काम इनू करता है, लेकिन जब इनू डालेंगे तो तुरंत ही हम इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए, वरना ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत ही। देख लो ये अभी से फूलना स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट हम डाल देते हैं। तो दोस्तों हम इसके अंदर जमाने वाले हैं, तो इसके अंदर तेल बटर कुछ भी लगा के चारों साइड ग्रीस कर दे ताकि छुड़ाने में आसान हो जाए। बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, फूल रहा है, तो फटाक से इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो देख सकते हैं यही है मेरा स्टीमर। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं और फटाफट इसको हम रैप कर देते हैं सिल्वर फॉइल से। अब मार देते हैं ढक्कन, रख देते हैं हम 25 मिनट से पहले तो नहीं देखेंगे इसको, और उतनी देर में इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं, 25 मिनट हमारा परफेक्ट हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि हाल क्या है। क्या बात है, तो ये देख सकते हैं बढ़िया एकदम सॉफ्ट है। लेकिन अब हम इसके अंदर देखेंगे, हाथ में तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन अब कांडी लगा के देखते हैं तब पता चलेगा। अरे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं। तो दोस्तों ठंडा हो चुका है लमसम, तो साइड से हम थोड़ा छोड़ा देंगे ताकि आसानी से निकल जाए। तो अब इसे हम आराम से पलटी कर देते हैं। पलटी क्या, निकल गया। तो देख सकते हैं जरा भी कहीं चिपका नहीं है। अब कटिंग करके देख लेते हैं क्या हाल है इसका। देख सकते हैं कितना स्पंची है, एकदम जाली वाला फर्स्ट क्लास बना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया है। सबको इसी तरह काट के तब पीसेस करते हैं। साइड का हम थोड़ा निकाल देंगे तब बढ़िया छोटे छोटे पीस हम बनाएंगे। ये चीज हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। जब हम गुजरात में रहते थे उस टाइम बच्चे अक्सर बोला करते थे बस खमन खाना है, या एक और है खांडवी गुजरात में जो बहुत ज्यादा चलता है। इंशाल्लाह बनाएंगे हम खांडवी भी बना के दिखाएंगे। तो जब भी हम लोग बाहर निकलते थे हमारी शहजादियां खास करके बोलती थी अब्बू खमन खाना है या खांडवी खाना है। और मेरे बच्चे ने यह भी कहा था कि अब्बू एक दिन वीडियो डालो क्योंकि हमें बनाते हुए देखना है और हमें बनाना है, क्योंकि वो लखनऊ में रह रही है, वहां उसको
नहीं मिलता है। कहाँ होगा जरूर कहीं, लेकिन लखनऊ में कहीं उसको नजर नहीं आया है। तो कई बार कह चुकी है कि अब्बू बनाओ तो हम लोग खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, रेसिपी हम डाल देंगे और इंशाल्लाह तुम ट्राई कर लेना। तो पहले हम इसके अंदर रख देंगे और मार देंगे तड़का, ठीक है। उसके बाद में हम लगाएंगे प्लेट में। तो तड़का रेडी कर लेते हैं, पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल, फिर राई 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता हमारे पास गीला नहीं है तो इसलिए हम सूखा वाला कड़ी पत्ता डाल देते हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और राई जैसे हो जाएगा। तेल हमने लिया है कम, इस वजह से और भी नखरे कर रहा है। तो अब डाल देंगे हम पानी, थोड़ा सा डाल देंगे हम नमक, नमक वैसे हमने उसमें भी डाला हुआ है। अब डाल देंगे 2 पीस हम लेमन, ताकि खट्टा भी हो जाए, मीठा भी हो जाए और तीखा भी हो जाए। अब डाल देते हैं थोड़ा सा मिर्ची, मिर्ची हमने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि मिर्ची अक्सर वो एकदम ढीला पड़ जाएगा, फिर मजा नहीं आता है। थोड़ा सा डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून जितना शक्कर, थोड़ा सा इसे हम पका लेते हैं। पका लेते का मतलब है कि खाली शक्कर आपका पिघल जाए, बस आपका तड़का रेडी है। तो दोस्तों गैस हम बंद कर देते हैं और चलते हैं मार देते हैं तड़का। तो ये आ गया हमारा तड़का, पानी हम इसके ऊपर मार देंगे और ये खट्टा मीठा तीखा सब हो जाएगा। तो अब इसे हम लगा देंगे। तो दोस्तों खमन हमारा रेडी हो गया है। आपको हमारा काम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।